गुजरात में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार नारायण भाई राठवा का नामांकन विवादों में फंस गया है। बीजेपी ने राठवा पर फर्जी एनओसी लगाकर नामांकन करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार नारायण भाई राठवा ने फर्जी एनओसी लगाकर नामांकन भरा है। बीजेपी के मुताबिक राठवा ने लोकसभा सचिवालय से एनओसी मांगी थी, जो उन्हें कल दोपहर 3:30 बजे जारी हुई थी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक एनओसी पर 3:15 बजे हस्ताक्षर हुए और 3:30 बजे हैंडओवर किया गया, जबकि नामांकन भरने का आखिरी वक्त दोपहर 3 बजे था। ऐसे में सवाल उठता है कि राठवा ने नामांकन 3 बजे कैसे दाखिल कर दिया। इस मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। दोनों कैंडिडेट, एक कांग्रेस के श्री नारायण भाई राठवा और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री पीके वलेरा, दोनों के फॉर्म्स में बहुत सारी खामियों की जानकारी हमने माननीय इलेक्शन कमीशन को दी है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा स्पीकर ने जांच के आदेश दे दिए हैं।